गुड आफ्टरनून। टीडीईपी का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इंसुलेटर का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको स्ट्रिंग इफिशियंसी बताया था, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी की अगर बात करते हैं तो स्ट्रिंग इफिशियंसी आपकी क्या होती है, ns इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज v डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंसुलेटर इनटू वोल्टेज नियरेस्ट टू कंडक्टर। जो आपका इंसुलेटर कंडक्टर के नजदीक होगा उसका वोल्टेज ये है V4 या V1 जो भी रहेगा वो V4 हमने पिछली बार बताया था। तो अब अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि डीसी के केस में स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होगी, तो डीसी के केस में आपकी स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% होती है। कैसे? तो डीसी के केस में आपका इंसुलेटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो इक्वली होता है, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज नहीं होता। तो अगर मान लीजिए ये इंसुलेटर है, चार डिस्क इसमें है, नंबर ऑफ डिस्क, यहाँ कंडक्टर है, तो चार डिस्क का टोटल वोल्टेज हम मान लें 100 है किलो वोल्ट, तो इक्वली डिवाइड होगा, 4 है डिवाइड कर दीजिए, तो इसके क्रॉस 25, 25, 25 और 25 सबके इक्वली डिवाइड है वोल्टेज। अगर हमको डीसी में स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालनी होगी तो टोटल वोल्टेज कितना है 100, नंबर ऑफ कंडक्टर 4 इंटू कंडक्टर के नियरेस्ट जो इंसुलेटर है उसका वोल्टेज 25, ये इंटू इफिशियंसी 100 होती है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इफिशियंसी कितनी आएगी 100%। तो डीसी के केस में चूंकि वोल्टेज इक्वली डिवाइड होता है तो आपकी इफिशियंसी क्या आती है 100%। लेकिन एसी के केस में कैपेसिटर, सेल्फ कैपेसिटर के साथ साथ आपका शंट कैपेसिटर परफॉर्म होने की वजह से इसका वोल्टेज जो होगा इसके क्रॉस V1 है तो V2, V3, V4, और जो स्ट्रिंग इफिशियंसी है वो डिपेंड किस पे करती है, के पे, और के किस पे डिपेंड करता है आपका CS/C। CS जो है अगर घटेगा तो के की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, CS को घटाना होगा। CS को घटाने के लिए पहला काम तो हम इसका जो दूरी है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और दूसरा और भी कई चीजें यूज कर सकते हैं। तो हम दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पहला तो ये कि मेथड ऑफ इंक्रीजिंग आर इंप्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी, दूसरा मेथड ऑफ इक्वलाइजिंग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्ट्रिंग। तो आपको दोनों का सेम आंसर होगा, दोनों के लिए तीन मेथड यूज करेंगे। पहला क्या है, बाय यूजिंग लॉन्ग क्रॉस आर्म जो कि डिस्टेंस को बढ़ा देगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटर यानी सीएस शंट कैपेसिटर घट जाएगा। दूसरा ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर की ग्रेडिंग कर दीजिए या कैपेसिटेंस ग्रेडिंग या कैपेसिटेंस, जो आपका कैपेसिटर C1, C2, C3, C4 ये किस ग्रेड के हैं, कितने रेंज के हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कर दें और वोल्टेज को इक्वली डिवाइड कर दें। तीसरा है स्टैटिक सेलिंग या बाय यूजिंग गार्ड रिंग। गार्ड रिंग आपका जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये आपके इंसुलेटर है, यहाँ पे कंडक्टर के साथ एक इस तरीके का लगा होता है, ये गार्ड रिंग है। इसका दो काम होता है, ऊपर की तरफ भी एक लगा होता है और एक नीचे की तरफ, इसको हम आर्किंग हार्न बोलते हैं, जैसे सींग होती है गायों की उस तरीके से होता है। तो इसका दो काम होता है, एक तो ये इस कैपेसिटर के एक आपका शंट कैपेसिटर सीएस यहाँ बन रहा है, यहाँ सी, तो इसी के क्रॉस एक कैपेसिटर, जो कैपेसिटर यहाँ फॉर्म हो रहा है इसी के क्रॉस सीएस इधर भी फॉर्म कर देगा, जिससे करंट हमारी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, उसको हम इस मेथड में बताएंगे। तो मेन दो रीजन है, एक तो इसका काम क्या है कि ग्रेडिंग को इक्वल कर देगा, वोल्टेज इक्वल कर देगा, और दूसरा जो आपका लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग गिरती है जो बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, उसको ये अर्थ कर देगा। तो दो मेथड इसके हैं, दो रीजन। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने का पहला मेथड है कि हम क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ा देंगे। क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ाने से, चूंकि यहाँ पे क्या होता था, सेल्फ कैपेसिटर आपका दो ही हम बना रहे हैं, C1, C,
सी, इसके क्रॉस बी वन और इसके क्रॉस बी टू, इससे हमें क्या मिलता था, संट कैपेसिटर। तो ये जो कैपेसिटर बनता था क्रॉस आर और इस इंसुलेटर, जो इंसुलेटर के बॉडी थी मेटालिक लिंक, उनके बीच बनता था। अगर इसी क्रॉस आर्म को हम थोड़ा डॉटेड करके यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो अब ये दूरी डी थी, अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, डी डैश, जो कि बढ़ रही है। अगर ये दूरी बढ़ जा रही है तो सी, अगर ये दूरी बढ़ेगा तो सी एस इज इक्वल टू क्या होता है, एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर ए डिवाइड बाई डी। डी अगर बढ़ रहा है तो सीएस घटेगा, सीएस घटेगा तो के आपका घटेगा, और जब के घटेगा तो इफिशियंसी जो होती है नीटा एस सी, ये डिपेंड करती है के पे, के घटेगा तो इफिशियंसी भी घट जाए। लेकिन इस मेथड के कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि आप क्रॉस आर्म को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाने पर भी क्रॉस आर्म को हमें बहुत, जैसे आपका ये टावर है, टावर पे क्रॉस आर्म इतना लंबा कर दो तो ये देखने में भी भद्दा लगेगा और मटेरियल भी ज्यादा लगेगा। तो हम ये चीज एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसका यूज कहीं कहीं पे ही होता है, जहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो या टेम्परेरी इसको खत्म करना हो, तो हम वहां पे बाई यूजिंग क्रॉस आर्म कर सकते हैं, लॉन्ग क्रॉस आर्म के थ्रू। पिछले लेक्चर में जिस तरीके से हमने V1, V2, V3 निकाला था, सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे क्या था कि अब हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस की ग्रेडिंग कर देनी है, यानी C1, C2, C3, C4 ये कितने कैपेसिटी के हैं ये बता देना है। पहले क्या था कि सारे इंसुलेटर सेम थे, उनकी कैपेसिटी सेम थी, उस कंडीशन में वोल्टेज हमारा अनइक्वल था। अब हमने वोल्टेज को इक्वल किया तो कैपेसिटी इनकी डिफरेंट डिफरेंट हो गई। तो सेम प्रोसेस है, कैपेसिटर का सेल्फ, ये जो है इस लाइन में सेल्फ कैपेसिटर है, ये शंट कैपेसिटर है, करंट का डिवाइडेशन वही किया गया है, बस वोल्टेज को इक्वल कर दिया गया और कैपेसिटेंस को डिफरेंट कर दिया गया। तो एट नोड ए पहला क्या है, एट नोड वन यहाँ पे क्या होगा, आपका I2 नोड की तरफ आ रहा है, I1 नोड से दूर जा रहा है और स्मॉल I1 भी, तो I2 इज इक्वल टू कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I1। आपको पता है I2 की वैल्यू ओमेगा CV रहेगा। अब यहाँ पे C2 हो जाएगा, C2V इज इक्वल टू ओमेगा C1V प्लस आई, स्मॉल आई की जगह क्या होगा आपका ओमेगा CSV। अब CS को ऐसे ही रहने दीजिएगा, ओमेगा V कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ C2 इज इक्वल टू ओमेगा VC1 प्लस ओमेगा VCS। ओमेगा V कॉमन ले लेते हैं, C2 इज इक्वल टू ओमेगा VC1 प्लस CS, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू C1 प्लस CS। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एट नोड टू यहाँ पे I3 इज इक्वल टू कैपिटल I2 प्लस स्मॉल I2, ये आपका हो जाएगा I3 की जगह ओमेगा C3 V इज इक्वल टू ओमेगा C2V प्लस, अब यहाँ क्या है, CS के क्रॉस जो वोल्टेज होगा V प्लस V 2V, तो यहाँ पे ओमेगा CS इंटू 2V, ये आपका ओमेगा V कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो C3 इज इक्वल टू डायरेक्ट कर रहे हैं, C3 इज इक्वल टू C2 प्लस 2 CS। C2 की वैल्यू रख दीजिए यहां से इक्वेशन 1 से 1, C3 इज इक्वल टू C1 प्लस CS प्लस C2 CS, तो यहां से C3 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा C1 प्लस 3 CS। अब नोड 3 पर
एट नोड थ्री, यहाँ पे आई फोर ये इज इक्वल टू कैपिटल आई थ्री स्मॉल आई थ्री, ये हो जाएगा ओमेगा सी फोर वी इज इक्वल टू ओमेगा सी थ्री वी प्लस ओमेगा सी एस वी, ओमेगा वी कैंसिल हो जाएगा सी फोर इज इक्वल टू सी थ्री प्लस सी एस। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा ध्यान रखिएगा, सीधे वी नहीं लिखेंगे, वी प्लस वी प्लस वी यानी थ्री वी, तो यहाँ पे थ्री सी एस, ये थ्री सी एस की सी थ्री की वैल्यू आप रख दीजिए तो सी थ्री की वैल्यू सी वन प्लस थ्री सी एस प्लस थ्री सी एस। अब यहां से सी फोर की वैल्यू आपको मिल जा रही है सी वन प्लस सिक्स सी एस, हमने सारे वैल्यू सी वन और सी एस के फॉर्म में निकाल दिया है, तो अब अगर इनके बीच हम रेशियो निकालेंगे सी वन सी थ्री सी फोर का, सी वन इज टू सी थ्री इज टू सी फोर सॉरी सी टू सी थ्री सी फोर, तो एक चीज और याद रखिए कि जो k होता है वो आपको मोस्टली 1 अपॉन 10 होगा, और 1 अपॉन 10 यानी k इज इक्वल टू होता है सी एस अपॉन c, यहां से अगर देखेंगे तो c इज इक्वल टू 10 सी एस, तो c की वैल्यू आपका कितना आ गया, c1 कर लीजिए इसको क्योंकि यहाँ पे c हम नहीं लेके चले हैं, सारी वैल्यू c1 में आ रही है, तो c इज c को हम सी एस अपान सी वन कर लेंगे यानी c1 c इज इक्वल टू 10 सी एस। तो अब यहाँ पे c1 की वैल्यू तो c1 ही होगी इस टू, c2 की वैल्यू यही हमने निकाला था क्या आई थी c1 प्लस सी एस, सी वन प्लस सी एस, सी थ्री की वैल्यू आई थी आपकी सी वन प्लस थ्री सी एस, और सी फोर की वैल्यू आपकी आई है सी वन प्लस सिक्स सी एस, ये आपकी तीनों चारों वैल्यू आ गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पे सी वन की जगह सी एस के फॉर्म में रखिए तो टेन टेन सी एस इज टू 10 ये हो जाएगा प्लस 1 तो ये आपका हो जाएगा 11 सी एस इज टू 10 प्लस 3 13 सी एस इज टू 10 प्लस 6 16 सी एस, सी एस कैंसिल हो जाएंगे सारे तो ये आपको मिलेगा 10 रेशियो 11 रेशियो 13 रेशियो 16 यानी सी वन सी टू सी थ्री सी फोर। अब यहां से आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो C4 होगा यानी जो कंडक्टर के जस्ट पास होगा उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, यानी C4 इज ग्रेटर देन C3 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C1, और जो कंडक्टर से काफी दूर होगी उसकी कैपेसिटी कम होगी। तो इस ये एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, अगर ग्रेडिंग पूछेगा तो आप बता सकते हो कि जो कंडक्टर के पास होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए हम इसका ग्रेडिंग जो करते हैं वो इस तरीके से C1 C2 C3 C4, तो ये उल्टा हो जाता है यानी C1 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C3 इज ग्रेटर देन C4। आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा कैपेसिटर कंडक्टर के पास है, जो कैपेसिटर कंडक्टर के पास होगा उसकी जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। थर्ड मेथड है स्टैटिक सेलिंग आर बाय यूजिंग गार्ड रिंग। ये गार्ड रिंग होता है, गार्ड रिंग का दो काम है, पहला तो वोल्टेज को इक्वली इक्वली डिवाइड करेगा, दूसरा जो है लाइटिंग स्ट्रोक यानी आकाशीय बिजली है उसको क्या करेगा अर्थ कर देगा। होता क्या है कि दो सेम ऐसा ही आर्किंग हार्न यहाँ निकला होता है तो इन दोनों के बीच हाई वोल्टेज होने की वजह से एयर आयनाइज हो जाती है और लाइटिंग स्ट्रोक को एक पार्ट ये मिल जाता है जिससे वो क्या हो जाता है अर्थ हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक क्या है सी एस जो है आपका पहले की तरह ही शंट कैपेसिटर है,
और जब वोल्टेज इक्वल है कैपेसिटर भी इक्वली है, इस कैपेसिटर की ग्रेडिंग हमें नहीं करना है तो सी सी ये भी रहेगा, और वोल्टेज को इक्वल करना है तो इस के अक्रॉस जो इमेजिनरी कैपेसिटर बन रहा है उसकी हमने ग्रेडिंग कर दी C1 C2 C3। तो अब इस नोड पे, इस नोड पर और इस नोड 1 नोड 2 और नोड 3, नोड 3 की बात अगर करें तो 4 डायरेक्शन है करंट की फ्लो होने की, तो I4 इधर से आ रहा है, I3 ऊपर की तरफ गया, स्मॉल I3 इधर, तो I3 डैश इस डायरेक्शन में, उसी तरीके से यहाँ पे नोड 2 पे I2 इधर स्मॉल I2 और I3 आई रहा है इधर स्मॉल I2 डैश, सेम प्रोसेस I2 ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल I1 यहाँ स्मॉल I1 और इस डायरेक्शन में स्मॉल I1 डैश। ये तो करंट की डिवाइडेशन हो गया। अब इक्वलाइजिंग वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज इक्वल होने की वजह से, इक्वल होने की वजह से आपका करंट जो होगा इस कैपेसिटर में, सी इनकी ग्रेडिंग अगर डिफरेंट होती तो करंट आपका डिफरेंट डिफरेंट होता, बट ग्रेडिंग सेम है तो यहाँ पे वोल्टेज भी सेम है, तो आपका वी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी अगर कैपेसिटर की बात करें तो I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई XC होता है, चूंकि सबका V भी सेम है C भी सेम है, तो आपकी जो ये वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सेम होगी, यानी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो सारे क्या है, इक्वल है। अब अगर नोड 1 पे देखेंगे, एट नोड वन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों करेंट तो इक्वल है, I1 और I2, तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल, या आप देख लो नोड 1 पे कितनी करेंट है, दो करेंट इधर आ रही है, दो बाहर की तरफ जा रही है, एक इधर आ रही है, या एक तरह से समझिए I1 I2 सेम है, ये दोनों करेंट स्मॉल I1 इज इक्वल टू स्मॉल I1 डैश, ये दोनों भी इक्वल होंगे। जब I1 इज इक्वल टू I2 है इस नोड पे तो आपका ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जब इक्वल है तो इस कंडीशन पे I1 की जगह आप क्या लिखोगे, ओमेगा CSV इज इक्वल टू ओमेगा CSV। अब ओमेगा V से ओमेगा V कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सीएस नहीं है, C1। तो यहां पे C1 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, सीएस। सीएस को हम क्या लिखते हैं, KC C1 सॉरी यहाँ पे वोल्टेज देखिए, अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो ये सीधे अगर ला दो तो यहाँ पे कैपेसिटर C1, यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3 ये बन रहा है इसके क्रॉस। अब इधर क्या है, इस तरीके से ये बन रहे हैं, इसको देखिए, चार कैपेसिटर थे, C, C, C और C। अब अगर इस गार्ड रिंग को हम इस तरीके से ला दें, यानी एक लाइन में, तो यहां पे आपका क्या बन रहा है, C1, यहां पे C2 और यहां पे आपका बन रहा है C3 इससे क्रॉस में, तो यहां इस तरीके से, और यहां पे आपका वोल्टेज है, इधर आपका सीएस है, यहां पे आपका सीएस है, ये भी सीएस है और इधर आपका सीएस है नहीं। तो अब देखो चूंकि यहां पे वी वी वी, तो अब अगर यहां से सी1 की
वैल्यू लेंगे तो हमको गार्निंग इधर से है, ये कनेक्शन है। तो अगर वोल्टेज की बात करें C1 के, तो इसके क्रॉस V+V+V, तीन वोल्टेज मिल रहा है। ऊपर का वोल्टेज इसके एरिया में नहीं आ रहा है, यानी इधर से वोल्टेज ये ओपन है, तो इस वोल्टेज को हम नहीं लेंगे। तो C1 के क्रॉस आपका यहाँ कोई अगर कैपेसिटर होता तो हम सिर्फ V लेते, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का टोटल वोल्टेज V+V+V यानी 3V होगा। तो इस केस में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वोल्टेज लेने में, तो I1 डैश का ओमेगा सी एस की वैल्यू कितनी होगी, सी एस के लिए वी इज इक्वल टू I1 डैश के लिए ओमेगा C1 × 3V, ये चीज होगा। अब यहां से ओमेगा और वी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो सी एस इज इक्वल टू C1 3C1 कर दीजिए, 3C1 इज इक्वल टू 3C1 की बात करेंगे तो C S/3 इज इक्वल टू CS को क्या हम लिखते हैं, K C के फॉर्म में लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा K C, यहाँ पे C है, K C/3। ये C1 की वैल्यू मिल गई नोड 2 पर, एट नोड 2। यहाँ पे देखो इसके क्रॉस वोल्टेज हम V2 लेते थे, अब इसके क्रॉस भी VV दो यानी वोल्टेज 2V मिलेगा। तो यहाँ पे एट नोड 2 पे यहाँ भी सेम कंडीशन, I2 इज इक्वल टू I2 डैश, यहाँ पे I3 और I2 क्या है, इक्वल है, I2 इज इक्वल टू I3। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा C S × 2V इज इक्वल टू ओमेगा C2 × 2V, वी से वी कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, CS इज इक्वल टू 2C2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो CS इज इक्वल टू 2C इज इक्वल टू KC, दो वैल्यू हमको मिल गई। अब एट नोड 3 पे देखेंगे तो यहां से हमको मिलेगा C1 इज इक्वल टू आया है KC/3 इज इक्वल टू CS/3। अब यहाँ पे एट नोड 3 तो यहाँ I3 इज इक्वल टू I3 डैश। अब इस केस में I3 की वैल्यू जो होगी यहाँ पे ओमेगा CS/3V इज इक्वल टू IC डैश के लिए सिर्फ एक ही वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ पे ओमेगा C3 × V, वी से वी कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा, 3CS इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 3CS इज इक्वल टू 3KC। तो तीन वैल्यू हमको मिल गई। यहाँ पे भी अगर हम रेशियो निकाल लें C1 × C2 × C3, C1 की वैल्यू आई है KC/3 × C2 की वैल्यू आई है KC × 3KC। तो ये आ जाएगा आपका 1 × K3 1 × 3 × 9 यानी C1 × C2 × C3। तो यहां से अगर पूछेगा कि ग्रेडिंग क्या होगी, इसमें अगर ग्रेडिंग देखा जाए तो ये भी C3 > C2 > C1। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये था इंसुलेटर का सेक्शन, यानी इंसुलेटर में आपने क्या क्या पढ़ा है, इंसुलेटर होता क्या है, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर वो सारे हमने बता दिए। अब उसके बाद एक स्ट्रिंग इफिशियंसी आती थी, स्ट्रिंग इफिशियंसी, उसमें हमें क्या करना है कि या तो दो क्वेश्चन होगा, या तो स्ट्रिंग इफिशियंसी को इम्प्रूव करने का मेथड, या वोल्टेज को इक्वलाइज करने का मेथड। तो इक्वलाइज करने का या
आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के तीन मेथड है, पहला बाय यूजिंग लॉन्ग प्रासार, दूसरा आपका है ग्रेडिंग कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का ग्रेडिंग करके, तीसरा है बाय यूजिंग गार्ड रिंग। गार्ड रिंग के दो काम है जो कि हमने पूरा बता दिया। तो जो चीज ना समझ में आई होगी उसे कमेंट करके पूछते रहिए। थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको, और बेल आइकन हमेशा ऑन रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जिससे आपको वीडियो हर समय प्रोवाइड होती रहे। थैंक्स।